हेलो एवरीवन, मायसेल्फ शफक नाज। तो आज की ये वीडियो थोड़ी ब्लॉग टाइप होने वाली है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी 5th of September को टीचर्स डे आया था। तो मुझे जैसा आप लोग ने बहुत सारी विशेज दिए, बहुत सारे प्यार दिए, वो सब के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन जहाँ पे मैं आप पढ़ाती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि अन अकेडमी में मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूँ। मैं वहाँ पे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट उनका पढ़ाती हूँ। तो अन अकेडमी की तरफ से मुझे 5th of September को क्या रिसीव हुआ है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आपका इंस्टीट्यूशन, आप जो जगह पे काम करते हो, वो आपको इतना इंपॉर्टेंट फील कराता है, इतना वर्दी फील कराता है, तो एक मोटिवेशन आता है। तो चलो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अन अकेडमी से मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है। इनफैक्ट सारे टीचर्स जो अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, उनको ये बॉक्स रिसीव हुआ है 5th of September को। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो बॉक्स है बहुत ही कस्टमाइज्ड है, ठीक है, मतलब एकदम अन अकेडमी का पूरा फील आता है, ब्लैक ब्लैक करके। तो हम जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर एक और बॉक्स होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। वैसे तो मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी, जैसे रिसीव हुआ था तो सबसे पहले बात ये सरप्राइज था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ आने वाला है अन अकेडमी से, और ना ही अन अकेडमी ने कुछ बताया था, तो इट्स लाइक अ सरप्राइज फॉर मी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी देख के। सो चलो देखते हैं क्या है अंदर। मैं तो देख चुकी हूँ, लेकिन आप लोग देख लो क्या मिला है मुझे इस बॉक्स के अंदर। बहुत सारी चीज़ें रिसीव हुई है। सबसे पहले तो इस बॉक्स में बहुत ही अच्छे से अन अकेडमी का लोगो और अन अकेडमी लिखा हुआ है। एक लेटर इधर पे था ए, जो मेरे से घूम गया, पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया, निकल गया था ये, पर कोई बात नहीं। चलो देखते हैं क्या क्या है। तत्तरा। चलो जी, एक एक करके हम देखते हैं। पहले आप जूम करके देख लो भाई कि कस्टमाइजेशन कैसा हुआ है बॉक्स का। सबसे पहले तो यहाँ पे ये एक छोटा सा एनवलप टाइप कुछ है, इसको हम निकाल के पढ़ लेते हैं। कुछ इधर पे मैसेज है, हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम अन अकेडमी लिखा हुआ है इधर पे, दिख रहा है आप लोगों को। अंदर कुछ मैसेज है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये लेटर के अंदर क्या लिखा है मैं रीड कर लेती हूँ। एज द वर्ल्ड स्टूड स्टिल, यू मूव्ड लर्नर्स टू ड्रीम। एज द टाइम्स गॉट टफ, यू बिकेम द रॉक फॉर मिलियंस ऑफ लर्नर्स। एज द वर्ल्ड चेंज्ड, यू एंश्योर्ड दैट लर्निंग नेवर स्टॉप्ड। थैंक यू फॉर बीइंग द गाइडिंग लाइट फॉर मिलियंस। ईयर्स टू यू, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच अन अकेडमी फॉर सच अ लवली विश एंड मोटिवेशन, अ काइंड ऑफ मोटिवेशन इट इज गिविंग टू मी राइट नाउ। यस, सो बहुत ही प्यारा सा लेटर, इसको हमेशा हम संभाल के रखेंगे। इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे डाल देती हूँ मैं। चलो और क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो ये बॉक्स है बहुत ही प्यारा, गिफ्ट की तरह इसको पैक किया गया है। तो इसके अंदर चॉकलेट्स आई थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, अगर आप लोग मेरे साथ होते तो ये सब चॉकलेट तो आप में ही बढ़ जाती। देन उसके बाद है अन अकेडमी की कस्टमाइज्ड डायरी। डायरी का वैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं अपनी लाइफ में डे टू डे जो भी रूटीन होता है, जो भी टास्क होते हैं, उसको मैं नोट डाउन करती हूँ, ट्रैक करती हूँ एक सेपरेट डायरी में, उसको हैंड रिटन ही रखती हूँ। तो बहुत ही काम आने वाली है मुझे डायरी, कस्टमाइज्ड वे में है। चलो खोल के देखते हैं। वाओ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, सिंपल एंड स्वीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है मेरे लिए। थैंक यू सो मच अन अकेडमी वंस अगेन फॉर द लवली गिफ्ट। इसको साइड में कर देते हैं। उसके बाद क्या चीज़ आई है एक बार नज़र डाल देते हैं। बहुत ही भारी भरकम प्रीमियम डब्बे में देखते हैं क्या है। अन अकेडमी का फिर से कस्टमाइजेशन इसमें किया गया है। तरा, एक पेन जो कि टीचर्स की भाई तलवार होती है, यही पेन से हम बच्चों के आंसर्स चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी पेन है, देख सकते हो आप लोग। ये पेन के अंदर भी अन अकेडमी का लोगो है, क्या आप लोगों को दिख रहा है येलो कलर का। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रीम है टीचिंग फील्ड में आना, तो आप लोग याद रखना हमेशा कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग फील्ड में। ठीक है, भले ही आपने कितनी भी अच्छी डिग्री कर लिए हो, लेकिन अगर आपको बोलना नहीं आता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है, तो टीचिंग फील्ड में नहीं टिक पाओगे। तो इसलिए हमेशा याद रखना, आपका 12th पास हो जाते हो स्टार्ट कर दो, ठीक है, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो और टीचिंग फील्ड में भी जाने का, जो होता है ना, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं बच्चे, क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, अपना खुद का कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जूनियर लोग को गाइडेंस, तो उससे एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस से ही हम सक्सेस पाते हैं, राइट। तो ये चीज़ मेरी याद रखना आप लोग, मेरे एंड से ये आपको एडवाइस है जो भी बच्चे टीचर की फील्ड में जाना चाहते हैं। देन उसके बाद दो एनवलप आए हैं अन अकेडमी के, इसके अंदर हम देखते हैं क्या आया है। इसके अंदर बहुत सारे स्टिकर्स है जो कि मैं जिधर पे बैठ के आप लोगों को पढ़ाती हूँ उधर पे ऐसा लगा सकती हूँ, ताकि मुझे ऐसा फील आए कि मैं एक अन अकेडमी के
ऑफिस में बैठी हूँ, अनअकैडमी के एक ऑफलाइन क्लास में बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, तो यह फील आता है। और यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशन कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स भी इसमें लिखे हैं जो काम आते हैं हमको बूस्ट करने के लिए। सेकेंड एनवेलप में क्या है देख लेते हैं जल्दी से। सेकेंड एनवेलप ये क्या है? अरे ये तो खाली पेपर है, क्या हो गया, गलती से उल्टा हो गया? नहीं ऐसा नहीं है, ये स्टिकर, ये भी स्टिकर है। इसमें क्या होता है, हम कोई भी ग्लास मिरर के पीछे से जब लगाते हैं ना कोई भी स्टिकर, तो ऐसा आता है। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है देख लेते हैं। तो ये तो मुझे कुछ योगा मैट जैसा लग रहा है। हम पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एक दिन में कभी चार चार क्लास लेते हैं, तो शायद आई थिंक अनअकैडमी बोल रहा होगा कि थोड़ा योगा कर लो, माइंड को थोड़ी शांति दो, ताकि फिर से आप फ्रेश होकर जज्बे के साथ मैराथन सेशंस लो बिना कोई प्रॉब्लम के। बट इतना छोटा योगा मैट में कुछ होगा, आई थिंक डब्बे के हिसाब से आया होगा। चलेगा कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। योगा मैट नहीं है वो तो क्या है, डेस्कटॉप मैट है। अरे अच्छा, डेस्कटॉप मैट है, ओके। मतलब इसके ऊपर हमको अपना लैपटॉप और जो भी कीबोर्ड होता है, जो भी कंप्यूटर होता है, वो इसके ऊपर हम रख के अपना काम कर सकते हैं। अच्छा वही मैं सोचूं कि इतना छोटा योगा मैट कहाँ से आ गया। ओके, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत काम आने वाली है ये भी चीज़। सारा सामान अगर कभी कभी होता है ना कि हम बाहर जाते हैं और अचानक से लेक्चर लेना होता है, तो हम कोई भी टेबल पे जल्दी से बिछा के अपना लैपटॉप रखे और शुरू हो गया आपको पढ़ाना, तो ये काम आता है। थैंक यू सो मच अनअकैडमी, इतना सब कुछ सोच रहा है टीचर के लिए, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें हैं। मतलब देखो ये सारी चीज़ें टीचर के लिए बहुत ही, अब एक टीचर का काम कन्वीनियंट बना देती है ना, पढ़ाने में मज़ा आता है। जब भी हमारा कोई भी काम आसान हो जाता है तो हम उसको डबल स्पीड में करते हैं, तो ये सारी चीज़ तो मुझे बहुत काम आने वाली है हमेशा। और फिर हमें क्या आया है, ये बॉक्स आया है ना, हमारा मोबाइल और क्या क्या चीज़ें, पेन पेंसिल, हमारी जो नोट्स है वो इधर उधर पड़ी रहती है, तो हम जल्दी से सारे का सारा सामान इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, कन्वीनियंट चीज़ है, इसको हम खोल भी सकते हैं, इसको हम कहीं बैग में भी डाल सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो इसको बॉक्स भी हम बना सकते हैं। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि यस, अभी तो हम एक, अभी ऐसा वर्चुअल लग रहा था ना कि वर्चुअली हम सब पढ़ा रहे हैं, बट ये सारी चीज़ ऐसा आ रही है तो लग रहा है कि हाँ फिजिकली भी वी आर कनेक्टेड, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लास्ट चीज़ है माउस पैड, है ना, हम बहुत सारा आपके लिए PPTs बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी टाइपिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे एडिटिंग करने पड़ते हैं, तो माउस का तो बहुत रोल होता है। ठीक है, सीरियसली PPT अगर हम 4 घंटा बना रहे हैं तो उसमें माउस नहीं होगा तो वो काम हमारा 8 घंटे में होगा, तो उसके लिए भी इतना सोच के माउस रखने के लिए काम आया है। मेरा माउस, मेरे पास था नहीं माउस पैड, ऐसे ही पड़ा रहता था मेरा माउस, तो मुझे बहुत काम आने वाला है, ये काम आसान कर देगा सीरियसली। सो ये सारी चीज़ मुझे रिसीव हुई अनअकैडमी से, जो कि मेरा जो काम है आसान कर देगी, और मैं अब आप लोगों को और भी अच्छे से और भी कन्वीनियंट वे में पढ़ा सकती हूँ। और जो भी बच्चे इधर पे न्यू है, जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं अनअकैडमी में एक एजुकेटर हूँ, जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र बोर्ड कि 11th एंड 12th स्टैंड के बच्चे लोगों को मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, सारी चीज़ें, नॉवल आपका हो गया, आपका पोएम सेक्शन, आपके चैप्टर्स, आपके ग्रामर एंड एवरीथिंग। और बहुत सारे 2 मंथ से मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दे चुकी हूँ अनअकैडमी के ऐप में भी और यूट्यूब में भी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी बच्चे लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, आपको क्या करना है, जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र बोर्ड इस ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे मैं डेली 6 बजे लाइव आती हूँ और आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ एकदम फैंटास्टिक वे में, और स्पेशल क्लास में भी आती हूँ आपको पढ़ाने के लिए। वहाँ पे बस आपको क्या करना होता है, वहाँ पे बस आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, ये वाला कोड डालना है SHAF10, ये वाला आप कोड डालोगे तो वो आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप अपनी पढ़ाई एकदम फैंटास्टिक वे में अपनी कवर कर सकते हो। अगर आप साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे हो तो वहाँ पे बहुत सारे प्लस के बैचेस चल रहे हैं, दिसंबर तक सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना। वंस अगेन थैंक यू सो मच अनअकैडमी फॉर सच अ वंडरफुल एंड कन्वीनियंट गिफ्ट्स, एंड थैंक यू सो मच वो सारे स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर्स में डेडिकेटेडली आके एकदम जज्बे से पढ़ते हैं और मुझे भी मोटिवेट कर देते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाना, PPT बनाना और आपको नोट्स प्रोवाइड करना। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए आपके बोर्ड एग्जाम तक, वी आर गोइंग टू क्रैक योर महाराष्ट्र बोर्ड। तो अपना एम बना लो और डेली 6 बजे पढ़ने के लिए आ जाया करो, एंड आप लोगों के जो भी ड्रीम्स है उस पर हमेशा काम करते रहना पहले से ही। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पर्सनली, मतलब मैं खुद 12th के बाद ही पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी अपने जूनियर्स को, यानी मेरा 12th पास आउट हुई थी मैं, मेरा मई में रिजल्ट आया था, एंड 1st अगस्त को मैंने 7-8 बच्चे जो होते हैं ना जूनियर 12th स्टैंडर्ड के, उन लोगों की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ 7-8 स्टूडेंट्स, फिर ऐसी करके बढ़ गए, ऐसे होता है, एक्सपीरियंस मेक्स यू परफेक्ट, राइट। सो हमेशा याद रखना, कोई भी फील्ड में आपको जाना है तो ऐसा मत सोचना कि आप बस डिग्री ले लोगे, आपके हाथों में एक पेपर है तो आप बहुत ही आगे चले जाओगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है, एंड
अभी हम मिलेंगे इसी तरह कोई नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करेगी आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, एंड ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो मैं अपनाती हूँ और मुझे काम आती है। तो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे टीचर्स डे में अन अकेडमी से क्या क्या मिला। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों को कौन कौन सी वीडियोस इस तरीके की चाहिए ब्लॉग टाइप मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। और हमारी स्टडीज़ तो चलती रहेगी हमेशा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू अन अकेडमी फॉर सच लवली गिफ्ट वंस अगेन। बाय एवरीवन।